हेलो एवरीवन, वन विभाग भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। परमानेंट सरकारी नौकरी रहने वाली है। सैलरी यहाँ पर 80,000 आप लोगों को पर मंथ मिलेगी। स्थायी नौकरी है। महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी जो है सैलरी के साथ में दिए जाएंगे। एज यहाँ पर 21 से 40 वर्ष रहने वाली है और सभी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो मेन वेबसाइट पर जाकर जो है नोटिफिकेशन चेक करेंगे कि वैकेंसी जो है वो कहाँ से आई है। वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो यहाँ पर व्हाट्स न्यू में भी जो है सबसे फर्स्ट में आप लोगों को नजर आ जाएगा। और नीचे आप जाएंगे एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पर भी जो है आप लोगों को थोड़ा सा नीचे करेंगे रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2023। इस पर जो है हम लोग क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो है वो पद का नाम देखें, सहायक वन संरक्षक, इसकी वैकेंसी है। और दूसरा वन क्षेत्रपाल पद का नाम है, इसकी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर पद स्थिति जो है आप देख सकते हैं, स्थायी नौकरी है। वेतनमान यहाँ पर 56,100 बेसिक पे रहेगी, 1,77,500 आपको मिलेगी। बाकी राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता दे होंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पर कही गई है कि अगर आपने स्नातक साइंस स्ट्रीम में किया है, विज्ञान में किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। या आपने इंजीनियरिंग या किसी तकनीकी की किसी भी शाखा में आपने स्नातक की उपाधि ली है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट जो है वह यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर जो दूसरी वैकेंसी है, पद का नाम वन क्षेत्रपाल है और विभाग का नाम है मध्य प्रदेश शासन वन विभाग। स्थायी नौकरी रहेगी ये भी। वेतनमान जो है वो 36,200 बेसिक पे से स्टार्ट है, 1,14,800 जो है आप लोगों को सैलरी मिलेगी। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है आप लोगों को 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी और साथ में महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो है ये भी दिए जाएंगे। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता कही गई है। यहाँ पर भी वही साइंस स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या आपने इंजीनियरिंग या तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि हासिल की है तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैकेंसी जो है, पोस्ट जो है वो कितनी है, तो सहायक वन संरक्षक के कुल 13 पद हैं और वन क्षेत्रपाल के 126 पद हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर और भी चीजें हैं। सहायक वन संरक्षक के लिए यहाँ पर 2 वर्ष का जो है आप लोगों को प्रशिक्षण लेना होगा। भारत वर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण या वन विद्यालय से आप लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिजिकल यहाँ पर परीक्षण जो है आप लोगों का होगा, शारीरिक मापदंड एवं क्षमता परीक्षण। दूसरा जो वन क्षेत्रपाल है तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है वो 18 माह की जो है आप लोगों को लेनी होगी किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय से। ठीक है, भारतवर्ष में, ऑल इंडिया में कहीं पर भी जो है आप लोग किसी भी महाविद्यालय जहां वन क्षेत्रपाल का जो है प्रशिक्षण मिल रहा है तो वहां से आपको प्राप्त करना होगा। और इसमें भी जो है आप लोगों का शारीरिक मापदंड और क्षमता परीक्षण ये आपका होगा। आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक रहेगी सहायक वन संरक्षक के लिए, और वन क्षेत्रपाल के लिए जो है 21 से लेकर 33 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। आयु सीमा में छूट जो है वो मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है उसके द्वारा वहीं के कैंडिडेट को मिलेगी। चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, तो यहाँ पर एग्जाम होगा आप लोगों का, प्री और मेंस। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया के 5 जो है वो चरण इन्होंने बताए हैं। पहले में जो है आप देख सकते हैं, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवार के चयन हेतु राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के आप लोगों के यहाँ क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आप लोगों की मुख्य परीक्षा होगी, देन आपका इंटरव्यू रहेगा, शारीरिक मापदंड रहेगा 4th में, और लास्ट में जो है वो स्वास्थ्य परीक्षण रहेगा। परीक्षा की योजना जो प्रारंभिक परीक्षा है तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है वो आप लोगों के प्रश्न होंगे। और यहाँ लिखा है कि अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा में केवल जो है आप लोगों को पास होना है। यहाँ लिखा है प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों के 20 गुना अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा की जो मेंस परीक्षा होगी उसमें शामिल किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर कहा है कि परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही जो है प्रकाशित किया जा रहा है। तो सबसे ऊपर ही जो है एग्जाम की
डेट टाइम सब कुछ जो है वो पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक परीक्षा जो है 17 दिसंबर रविवार को होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा। 10 बजे से 12 बजे तक जो है आप लोगों का पहला प्रश्न पत्र का पेपर होगा और 2:15 से 2:15 द्वितीय प्रश्न पत्र का होगा। एप्लीकेशन करने की जो अंतिम डेट रहने वाली है तो ये है 2 नवंबर 2023 से दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। तो 17 दिसंबर आप लोगों का जो है प्री का जो है वो पेपर होगा। और सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को मेन वेबसाइट पर ही जो है वो मिल जाएगी और इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी। ये इसका जो है लिंक है mppsc.mp.government.in। यहाँ पर आप लोग नीचे देखें एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में आप लोगों को यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नीचे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मॉडल आंसर की रिस्पॉन्स शीट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंटरव्यू का कॉल लेटर आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें आप लोगों को होम पेज पर ही जो है वो दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। भारत में किसी भी राज्य के हैं आप तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट नौकरी है, स्थायी नौकरी है गवर्नमेंट की। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वैकेंसी अगर आती है तो बिल्कुल आप लोगों को किसी भी राज्य की वैकेंसी है तो वो आप लोगों से शेयर की जाएगी। थैंक यू।